वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल गर्व एकेडमी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं एक से बढ़कर एक एजुकेशनल वीडियोस और ढेर सारी एजुकेशनल खबरें सबसे पहले आप तक। तो दोस्तों अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल अपडेट्स पर बेल बटन को पुश करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। दोस्तों चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए निकल करके सामने आई है। बेसिक शिक्षा विभाग के वे शिक्षक जो अंतर जनपदीय तबादले के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। विभाग की तैयारी पूरी हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग के 70,000 शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादला प्रक्रिया फिर से शुरू होने का इंतजार है। माना जा रहा था कि लॉकडाउन के कारण रुकी हुई प्रक्रिया अनलॉक के साथ शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई थी। शिक्षक चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विभाग जल्दी अपनी स्थिति साफ करे। हरदोई के एक प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षक संजय सिंह ने बताया कि जब अंतर जनपदीय तबादला नीति लाकर आवेदन मांगे गए हैं तो विभाग को इसकी समय सीमा की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनके मुताबिक इस समय जब 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग की जा सकती थी तो तबादले की काउंसलिंग भी की जा सकती है। स्थिति स्पष्ट होने पर शिक्षक मन लगाकर अपना काम कर सकेंगे। इस बारे में जब महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि विभाग की तैयारी पूरी हो चुकी है, शासनादेश मिलते ही तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मामला मंडलीय समिति के पास है और हमारी तैयारी पूरी है। तो ये विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा, इनका बयान है और इनका कहना है कि विभाग की तैयारी पूरी है, लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है, शासनादेश जैसे ही आएगा तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी जाएगी। मामला इनकी मंडलीय समिति के पास है और इनकी तैयारी आखिरी चरण में है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में जो शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण चाहते हैं, 70,000 की तादाद है लगभग इनकी, और दूसरे जिलों में पोस्टेड हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। और जुलाई से जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो जुलाई तक लिस्ट आने की पूरी प्रबल संभावना है, और जुलाई में लिस्ट आते ही फिर अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो आपसे रिलेटेड है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।